हेलो दोस्तों, हेलो प्यारे स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो कल मैं क्लास नहीं डाल पाया और शायद परसों भी नहीं डाल पाया मैं, तो दो दिन की क्लास में आज पढ़ाऊँगा। दो दिन मैं नहीं पढ़ा पाया इस कारणवश। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री या इतिहास। इतिहास ठीक है, हिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे इसमें पहले प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। भारत का इतिहास ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे हम पहले, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे इतिहास के पिता। इतिहास के पिता किसको कहा गया, इतिहास के पिता कहा गया हेरोडोट्स। हेरोडोट्स 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 ठीक है, हेरोडोट्स क्या गया है इतिहास के पिता। ठीक है, इतिहास का पिता किसका कहा है, हेरोडोट का कहा है, ठीक है। जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित, संबंधित प्रथम पुस्तक कौन सी है, राजतरंगी। पुस्तक या वास्तविक पुस्तक, प्रथम पुस्तक या वास्तविक पुस्तक, वास्तविक वास्तविक पुस्तक कौन सी है, राजतरंगी। राजतरंगिणी, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक या पुस्तक कौन सी है, तो राज तरंगिणी। प्राचीन भारत के इतिहास के संबंधित, ठीक है, इतिहास के पिता हेरोडोट्स हो गया। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत में उत्कीर्ण उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता, प्राचीन भारत में उत्कीर्ण कीर्ण चिन्ह वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था, क्या कहलाते थे, कहा जाता था, कहलाते थे, तो ये कहलाते थे आहत सिक्के या पंच मार्क कॉइन्स। आहत सिक्के, आहत सिक्के या पंच मार्क कॉइन, PUNCH पंच मार्क कॉइन, COIN ठीक है, पंच मार्क कॉइन या आहत सिक्के कहा जाता था प्राचीन भारत के उत्कीर्ण चिन्ह वाले सिक्कों को, ठीक है। ये क्वेश्चन एक पेपर में आया था, वो था आपका पटवारी में आया था सर, किस में आया था मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा अभी, तो उसमें आया था कि कौन से सिक्कों उत्कीर्ण वाले कौन से सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो वो थे आहत सिक्के। तो क्या कहा, हिंदी में आहत सिक्के, इंग्लिश में पंच मार्क कॉइन, ठीक है। अब आता है
ठीक है, इसको मैं बता दूँ। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता था? तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता था मुद्रा शास्त्र या मनी मुद्रा शास्त्र ना, हाँ मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र ठीक है, इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स किसको कहा जाता था? सिक्कों के अध्ययन को, मुद्रा शास्त्र को, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में मुद्रा शास्त्र, इंग्लिश में न्यूमिस्मैटिक। अब आ जाता है सेकंड पॉइंट, भारत में प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने वाली करने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? वो जाता है डॉक्टर प्राइमर में प्राइमरेज प्राइमरोज को, डॉक्टर प्राइमरोज को, ठीक है, डॉक्टर प्राइमरोज को भारत में प्रारंभ करने वाले प्रागैतिहासिक खोज का श्रेय जाता है। अब इसको मिटा रहा हूँ, मैं नोट कर लिया। पहले सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। भारत में प्रारंभ करने वाले प्रागैतिहासिक खोज का श्रेय किसे जाता है? तो प्राइमरोज, डॉक्टर प्राइमरोज को, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं हम, अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट था आपका भारतीय
प्रगो प्रागैतिहासिक भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित। संबंधित ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित कौन थे, इसको क्या कह रहा, कहा कहा जाता है, तो इसको कह रहा प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टो, प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक नहीं हिस्ट्रिक, हिस्टोरिक 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 नहीं हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक ठीक है, हिस्टोरिक भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित को कहा जाता है प्री हिस्टोरिक ठीक है। अब आता है सेकंड चौथा पॉइंट कि इंडिया किसकी कृति है, इंडिया किसकी कृति है, कृति है, तो यह है स्टुअर्ट पिगार्ट, स्टुअर्ट पिगार्ट ठीक है, स्टुअर्ट पिगार्ट की कृति है इंडिया कृति। अब आता है पांचवा पॉइंट, चीनी यात्रियों का, यात्रियों का यात्रा वातांत, यात्रा वृतांत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, प्रयोग किया है ठीक है, वो है इंतु, वो क्या शब्द है, इन तो इन दो शब्द का प्रयोग किया है ठीक है। चीनी यात्रियों का यात्रा वातांत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो इंतु के लिए, और कहाँ चीनी यात्रियों का यात्रा वातांत, भारत में भारत इंतु ठीक है। छह तीन पॉइंट उधर बताए थे, पांच पॉइंट ये इधर हो गए ठीक है। और अब इससे आगे हम पढ़ रहे हैं, पहले तो हमने पढ़ा था कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को क्या 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 कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, न्यूमेमेसिस कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उत्कीर्ण लेखों के
के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है उत्कीर्ण लेखों के अध्ययनों को? क्या कहा जाता है उत्कीर्ण लेखों के अध्ययनों को? अभिलेखा शास्त्र, अभिलेखा शास्त्र, अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है शास्त्र। ठीक है, अभिलेखा शास्त्र। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे? ईपीग्राफी। ठीक है, ईपीग्राफी। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययनों को क्या कहा जाता है? तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययनों को अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है, इंग्लिश में ईपीग्राफी। ठीक है, एक मिनट हम यहाँ तक का पूरा रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला था कि इतिहास का पिता किसको कहा जाता था? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोट्स को। दूसरा था प्राचीन भारत इतिहास की वास्तविक पुस्तक कौन है? क्या वास्तविक पुस्तक कौन सी है? तो वह है राजतरंगिणी। ठीक है, फिर उत्कीर्ण लेख उत्कीर्ण चिन्ह वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन। ठीक है, फिर आता है कि भारत के प्रागैतिहासिक इतिहास की खोज किसका श्रेय किसे जाता है? तो वो आता है डॉक्टर प्राइमरोज को। ठीक है, फिर आता है कि भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित क्या है? तो वो है आपका प्रीहिस्टोरिक। ठीक है, और इंडिया कृति किसकी है? तो स्टुअर्ट पिकार्ड की है। ठीक है, चीनी यात्रियों का यात्रा वातान के लिए भारत के में किस शब्द का प्रयोग किया? तो इंतु का। ठीक है, उत्कीर्ण लेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है, इपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, अब ये हमने मोटा मोटा पढ़ लिया है, हिस्ट्री का शुरुआत हमने शुरू कर दी है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि यहाँ सबसे पहले क्या हुआ, आधुनिक इतिहास का क्या हुआ इसमें। यहाँ तो सबसे पहले अंग्रेजों की कंपनियाँ आएंगी, यूरोपीय कंपनियों का आगमन होगा। तो कब होगा? पहले हम इसकी कंपनियों के आगमन की तिथि पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ स्थापित करी, फिर आगमन का क्रम पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर आगमन के क्रम में गवर्नर कौन कौन थे वो पढ़ लेते हैं, उससे आगे का फिर हम आपका कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैंने अभी ज़्यादा टाइम नहीं मिला, मैं देर से आज आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसलिए अभी जितना हो सकेगा उतना करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं पूरा मिटा लूँ। कल से प्रॉपर टाइम पे होगी क्लास, सुबह आपकी क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक, क्योंकि अभी हमें ज्योग्राफी की क्लास लगानी है। अब पढ़ते हैं हम यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, यूरोपी कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, तो पहले बढ़ते हैं आगमन का क्रम। क्रम फिर आ जाता है समय, फैक्ट्री, या कारखाना, फिर कंपनी, फिर गवर्नर। ठीक है, आगमन का क्रम समय,
प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई, कंपनी कौन सी थी और गवर्नर कौन से थे। तो प्रथम आएगी कौन आएगी, पुर्तगाली, पुर्तगाली आएंगे प्रथम। पुर्तगाली कब आएंगे, 1498 में। समय क्या रहा, 1498। सबसे पहले कहाँ आएंगे, कहाँ लगाई फैक्ट्री, कोचीन में। ठीक है, कोचीन में सबसे पहले फैक्ट्री लगाई। और कब लगाई प्रथम फैक्ट्री, कोचीन में लगाई। और कारखाना कहाँ लगाया, कारखाना कब लगाया, 1503 में। ठीक है, कारखाना कब लगाया, 1503 में। ये भी कहाँ लगाया, कोचीन में ही। ठीक है, और कंपनी कौन सी थी, एस्तादो एस्तादो द इंडिया कंपनी। ठीक है, द इंडिया कंपनी कंपनी। ठीक है, गवर्नर कौन था इनके टाइम में, अल्मीडा फर्स्ट, अल्मीडा फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाल आएंगे 1498 में, प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, कोचीन में। कब, 1503 में। और कंपनी का नाम हो एस्तादो द इंडिया कंपनी, और फर्स्ट गवर्नर रहेगा उस टाइम में अल्मीडा फर्स्ट। ठीक है, सेकंड आएंगे डच या नीदरलैंडी। ठीक है, डच नीदरलैंड, जो कहाँ से आए थे, नीदरलैंड से। कब आएंगे आपके, 1602 में। कहाँ लगाएंगे फैक्ट्री, मछलीपट्टम, मछलीपट्टम। मछलीपट्टम में कब, 1605 में। 1602 में, 1605 में लगाई। ठीक है, और कंपनी का नाम वारिंगन थे ऑस्ट इंडेक्स कंपनी। ठीक है, वॉरिंग थे ओस्ट, ओस्ट इंडेक्स कंपनी, इंडेक्स कंपनी। ठीक है, और कब होने का प्रथम गवर्नर, विंग चाओ। विंग चाओ, ठीक है, विंग चाओ है इनका प्रथम गवर्नर। जब कब आएंगे, डच आएंगे, डच कब आएंगे, 1602 में। और प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, मछलीपट्टम में। कब, 1605 में। और कंपनी का नाम वारंगत है ओस्ट इंडेक्स कंपनी, और प्रथम गवर्नर विंग चाओ। ठीक है, फिर आएंगे अंग्रेज, कब आएंगे, 1608 में। इसको पहले मिटा दूँ, इसको चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। आगमन का क्रम, सबसे पहले कौन है, पुर्तगाल आए 1498 में, प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई, कोचीन में। और कंपनी कहाँ लगाई, कंपनी कब शुरू करी इन्हें, 1503 में, कहाँ, कोचीन में करी। और प्रथम गवर्नर कौन था इनके टाइम में, अल्मीडा फर्स्ट। फिर आएंगे डच या नीदरलैंडी, कब आएंगे, 1402 में, 1402 में। ठीक है, कहाँ लगाएंगे सबसे पहला कारखाना, फैक्ट्री, मछलीपट्टम। कंपनी का नाम, कंपनी कौन सी आई, वारिंगते ओस्ट इंडेस कंपनी। कब, 1605 में इनने वहाँ फैक्ट्री शुरू करी। ठीक है, 1602 में, 1605 में शुरू करी। उस टाइम में प्रथम गवर्नर कौन था इनका, आमन के समय, विंग चाओ। ठीक है, अब आ जाते हैं अंग्रेज, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब आएंगे अंग्रेज, कब आए अंग्रेज, 1608 में। यह समय है आने का। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री कहां लगाई इनने, सूरत, गुजरात।
ठीक है। कंपनी क्या नाम था इनका? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया एंड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। कंपनी का नाम था इनका गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया इंडिया इन टू द ईस्ट कंपनी इन टू द ईस्ट कंपनी। ठीक है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया इन टू द ईस्ट कंपनी, ठीक है। कब शुरू करी इन्हें यहाँ फैक्ट्री? 1613 में। कब? 1613 में। इनके टाइम प्रथम गवर्नर थॉम्स टॉम्स दो थे, ठीक है। इनके टाइम में थॉमस टॉम्स, ठीक है। कब आए अंग्रेज? 1608 में सूरत गुजरात में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया इनटू द कंपनी इनटू द ईस्ट कंपनी 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये थी इनकी, कब लगाई इनने फैक्ट्री? 1613 में। कहाँ था क्या इनके नाम में गवर्नर? थॉमस टॉम्स, ठीक है। अब आ जाते हैं डेनिस, आ जाते हैं इसके बाद डेनिस आएंगे। डेनिस कब आएंगे? 1616 में, ठीक है। 1616 में डेनिस आ गए। कहाँ आए? त्रावणकोर में, त्रावणकोर, ठीक है, त्रावणकोर में आए। कब आए? 1616 में। ये 1613 में आए अंग्रेजों ने स्थापित की, इन्हें करी 1616 में, ठीक है। इनके नाम में गवर्नर कौन था? देहस्तमान था इनके नाम में गवर्नर, ठीक है। डेनिस के नाम में 1616 में आए और कंपनी 1616 में शुरू करी। इनकी कंपनी का नाम था डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इनके नाम में गवर्नर था देहस्तमान, ठीक है। अब आ जाते लास्ट में फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आएंगे? 1664 में। ये भी कहाँ आएंगे? गुजरात में ही। फ्रांसीसी कब आए? 1664 में। कहाँ आए? सूरत में, ठीक है। इनकी कंपनी का नाम द इंडस ओरिएंटलेस कंपनी, ओरिएंटलेस कंपनी, ठीक है। कब इन्हें स्थापित करी? 1664 में ही करी, 1664 में है उसी टाइम में कर दी, ठीक है इन्हें, ठीक है। 1664 में करी। इनके टाइम में गवर्नर कौन था? मार्टिन था, ठीक है। ये तो इनके आने का क्रम हो गया आधुनिक इतिहास के हिसाब से, ठीक है। प्रगति इतिहास के हिसाब से मैंने वहां पर बढ़ा दिया, आधुनिक इतिहास के हिसाब से मैंने यहां से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। वो मैंने मोटा मोटा बढ़ाया, उसको और बढ़ाऊंगा। अभी इसमें मैंने खाली मोटे मोटे पढ़ाए। उसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? हेरोडोट्स बताया, वहाँ कहते हैं इतिहास का पिता बताया, प्रथम पुस्तक बताई, वास्तविक पुस्तक राष्ट्रंगी बताई मैंने आपको, आहत सिक्के बताए, मतलब उत्कीर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन, ठीक है। फिर बताया मैंने सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शैली, न्यूमिमेटिक कहा जाता है,
ठीक है, फिर बताया मैंने भारत के प्रागैतिहासिक का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है आपका डॉक्टर प्राइमरोज को। फिर मैंने बताया था भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन किससे संबंधित किया था, प्री हिस्टोरिक है, प्री हिस्टोरिक। और इंडिया किसकी कृति, तो स्टुअर्ट पिगार्ट की है। ठीक है, आपको चीनी यात्रियों का यात्रा वार्तांत भारत के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया, इंतु का। ठीक है, उत्कीर्ण लेख को क्या कहते हैं, अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है या इपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, मैंने इतना आपको पढ़ाया था। अब इससे आगे मैंने आधुनिक इतिहास में ये शुरू करा था कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम क्या था। सबसे प्रथम क्रम में कौन आया, पुर्तगाली आए आपके 1498 में, 1500 दिन में फैक्ट्री लगाई। कहाँ लगाई उनने फैक्ट्री आपकी, कोचीन में लगाई 1503 में। और उनके टाइम प्रथम गवर्नर कौन था आपका, अल्मीडा फर्स्ट। फिर अब मैंने बताया था कि डच और नीदरलैंड आए, वो कहा 1602 में आए, उनने मछलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई। कब लगाई, 1605 में। और उनके टाइम में प्रथम गवर्नर कौन था, विन चाओ। ठीक है, फिर हमने बात करी थी अंग्रेजों की, 1608 में आए, सूरत में फैक्ट्री लगाई। कब, 1613 में। 1613 में इनके टाइम में गवर्नर कौन था अंग्रेजों के टाइम में, थॉमस टॉम्स। ठीक है, फिर आए फिर आए आपके डेनिस आए 1616 में, इनने कहा त्रावणकोर में लगाई फैक्ट्री। कब लगाई, 1616 में। ठीक है, डेनिस 1616 में आए, डेनिस ने फैक्ट्री भी कब लगाई, 1616 में लगाई। ठीक है, फिर आए फ्रांसी, फ्रांसी आए 1664 में, ये आए सूरत जगह में, इनने भी 1616 में ही, 1664 में ही फैक्ट्री लगाई। और इनके टाइम में कौन था गवर्नर, मार्टिन। ठीक है, और जो पुर्तगालियों की फैक्ट्री कंपनी का नाम क्या था, एस्टादो द इंडिया कंपनी। डच की कंपनी का था वॉरिंग, वॉरिंग कहते हैं ओस्ट इंडियक्स कंपनी। ठीक है, इंडेक्स कंपनी। अंग्रेजों की कंपनियों का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया इन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और डेनिस के था डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांसिस के था इंडेस ओरियंट कंपनी, ओरियंट लेस कंपनी। ठीक है, ये हमने इतना पढ़ लिया था, इससे आगे को हम अब कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज बहुत देर में क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, दो पोस्टें आई हैं जिनका अभी कहते हैं अभी आई हैं, जिसे पहले आई है आपकी कनिष्ठ सहायक आई है और असुरी भी आई है। ठीक है, वो आपकी NTA करा रहा है, उसका एग्ज़ाम, उसकी फीस 1000 रुपये है जनरल कैटेगरी, अदर्स की मुझे पता नहीं है, उसका आप वेबसाइट में आके चेक कर लेना। और उसकी लास्ट डेट है 22 फरवरी। ठीक है, ये कहता है आपका, और क्या कहते हैं इसकी कनिष्ठ सहायक के लिए, वैसे आपको ही पता लगेगा, मैं अपने YouTube के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, और एक तो कल ही आ रखा है कि कनिष्ठ SI आ गई है, उत्तराखंड पुलिस SI, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, और आपका गुलमनाया PSC के लिए। ठीक है, उसके लिए आप आवेदन तो वैसे 31 से शुरू कर दिए हैं, कह रहे थे कि अभी तक वेबसाइट में शो नहीं हो रहा, खाली विज्ञप्ति का आ रखा है लिंक, अभी मतलब पोर्टल अभी खुला नहीं है। पोर्टल शायद आज शाम तक खुले, रात 8 बजे तक, 10:30 9 बजे तक खुले, या कल से प्रॉपर चालू हो जाए, तो उसके लिए आप भरें और तैयारी करें। ठीक है, मैं भी उन दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और आप भी प्रिपेयर करें, अच्छे से पढ़ें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको ही पढ़ें, जो आपके पास पुराने नोट्स पढ़े हैं आपने कहीं पढ़ लाए, आप कहीं पढ़ लें उसको ही पढ़ें, आप जहाँ से आपको जो मैटर मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, उसको बटोरें और उसको रिवाइज करें। जितना रिवाइज करोगे उतना आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो आपको देख नहीं रहा हूँ। ठीक है, और कुछ लोग मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे कि मैं कोई प्रॉपर एक एक बेस्ट मतलब कोई टीचर नहीं हूँ मैं, कोई मेरा टीचिंग बैकग्राउंड नहीं रहा है, मैं फिर भी टीचिंग बैकग्राउंड से कर रहा हूँ, कि मैं अपनी भी तैयारी करना चाह रहा हूँ और यूट्यूब के माध्यम से आपकी भी तैयारी कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई एकदम एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं अपने जो बेसिक ज्ञान के हिसाब से, मैं जितना मैंने पढ़ा है मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैं कुछ बुक्स से देख के भी आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप चिंता ना करें। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते रहें, बाकी मैंने जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भी देखें। और इसके बाद ये हमारा हिस्ट्री हमारी यहाँ तक कंप्लीट हुई है, बाकी इसकी आगे की क्लास कल होगी। नहीं, कल हम कहाँ से पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे इसके आगमन का, तो हमने पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ इनने, कहाँ कब समय में आई, कब इन्हें फैक्ट्री लगाई, उनके टाइम में गवर्नर कौन था। अब हम इसके जाने का क्रम पढ़ेंगे, जाने के क्रम में कब गए, ठीक है, कहाँ पर फैक्ट्री लगाई थी, वहाँ से कब गए, और कब इनने क्या कहते हैं इनके टाइम में, जाने के टाइम में गवर्नर कौन था, आने के टाइम में तो ये थे। ठीक है, जाने के टाइम में कौन सा गवर्नर था उसका कल हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी थोड़ी देर बाद हम ज्योग्राफी की क्लास लगाएंगे। ठीक है, और हमने इतना पढ़ा, इतिहास पढ़ लिया हमने। ठीक है, प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत पढ़ लिया, स्रोत के मैंने पॉइंट बताए हैं। ठीक है, पूरा इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, आधुनिक के मैंने भी थोड़ा बताया है, इससे आगे हम प्रॉपर
कंप्लीट करेंगे, फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर स्रोत के बारे में बताएंगे, फिर हम आ जाएंगे आपका मुगल काल पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसने क्या क्या किताबें लिखी, उस टाइम में क्या थी। अभी एक क्वेश्चन वाला है आपका कि चलो वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी आदमी नहीं आना, ठीक है। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, अब हम इनके जाने का क्रम पढ़ेंगे कल, ठीक है। और ये हमारा इतिहास का ये क्लास हमारी हमें यहाँ पर समाप्त होती है। मैंने आपको जो बता दिया कि कनिष्ठा का आ गई है, उसकी लास्ट डेट 22 तारीख है, 22 फरवरी को, ठीक है। क्लर्क SI उत्तराखंड पुलिस SI आज कल ही विज्ञप्ति आई है, ठीक है, आज से स्टार्ट हो सकता है, 8:30-9 बजे तक का लिंक खुल जाए, वैसे कल से तो प्रॉपर खुल जाएगा, ठीक है। तो उसकी आप तैयारी करें, प्रिपेयर रहें अच्छे से, बेस्ट तैयारी करें, और मैं भी इन दोनों के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और मैं अपना भी पढ़ रहा हूँ, आपको भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलिए, धन्यवाद प्यारे स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।